हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस पे, जहाँ पे हम लोग के डेली बेसिस पे PYQ इनिशिएटिव चल रही है, जिसके थ्रू हम लोग पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली UPPCS BPSC और RO एग्ज़ाम के लिए फोकस अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। हालांकि जो भी हम MCQ या PYQs उठा रहे हैं वो किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं है, ये सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो सारे एग्ज़ाम्स पे फोकस है, चाहे वो UKPCS हो या चाहे UPSC हो, UPPCS हो। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से उठाए गए हैं ताकि सारे एग्ज़ाम में वो काम करें। तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें हम डिफरेंट एक्ट्स कवर किए हैं, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कवर किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किस तरीके से फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से वर्किंग चली है, कौन कौन उसमें कमिटीज़ रही हैं, कौन कौन चेयरमैन रहा और किस तरीके से कितने सेशंस हुए। अब आज हम आप देखेंगे इस क्लास में कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ये टॉपिक जानना जरूरी है कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ऐसा ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो कई सोर्सेस से लिए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे US की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया गया है, कुछ UK की कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सोर्स है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे एक प्रीएम्बल, वन प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो ये चीज़ थी, और आज ये पढ़ के लगभग ज़्यादा हो गई है। तो अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सोर्सेस हैं, सोर्सेज जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है, बोरो किया गया है कई फीचर्स ऐसे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चरल पार्ट यानी जो लिया गया है वो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसे कौन कौन से प्रोविज़न, फॉर एग्जांपल फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्कीम हुई, गवर्नर से रिलेटेड प्रोविज़न लिए गए हैं, इमरजेंसी पावर्स ली गई है, इमरजेंसी पावर्स, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन हुई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा ये तो रही स्ट्रक्चरल पार्ट, इसके अलावा जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट, वो फिलोसफिकल पार्ट में कौन सा आता है, फिलोसफिकल पार्ट फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो फंडामेंटल राइट लिया गया है हमारा US कॉन्स्टिट्यूशन से, DPSP लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो UK कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, UK की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसीलिए इतने सारे प्रोविजंस जो हैं कि हमारे कई कंट्रीज से अडॉप्ट किए गए हैं, इसलिए हम कभी कभार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कई जो फीचर्स हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फीचर बोरो किए गए हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे सर आइवर जैनिंग हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम इसमें आज देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस यूज हैं, अब ये क्वेश्चन आते भी रहते हैं सोर्सेस से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि मेनली कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, फिलोसफिकल पार्ट यानी फंडामेंटल राइट या DPSP, फंडामेंटल राइट US की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, एंड DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिकल पार्ट UK की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आगे और भी फीचर्स हैं जो कई कंट्रीज से लिए गए हैं, और इतना लेंदी होने का कारण क्या है इतना, तो वो सब हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पे पब्लिक सर्विस कमीशंस का ज़्यादा फोकस होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बिन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
तो ये चीज़ हम क्या कहते हैं आइडिया प्रीएम्बल के, सबसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बना जिसके बस प्रीएम्बल हो, वो कौन सा था वो पता है आप लोगों को? वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास प्रीएम्बल था, तो वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ बोरो की। और हमारा पिछले पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये प्रीएम्बल किस पे बेसिस था, जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें जो प्रोविजन है वो किस पे बेसिस है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कौन उसको पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर होगा यूएसए। अब अच्छा देख लेते हैं कि इसमें जैसे चार ऑप्शन और भी हैं, इटली, कनाडा, फ्रांस एंड यूएसए। तो कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कुछ फीचर्स लिए गए हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे फेडरेशन है, हुआ फेडरेशन, जहाँ पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें हैं, रेसिड्यूरी पावर टू द रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर, ये चीज़ें जो हैं हमने लिया है कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ में अगर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक का कंसेप्ट लिया है, रिपब्लिक का, एंड इसके जो आइडियल्स हैं, जैसे कि इसके जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने ली है फ्रेंच कम्युनिकेशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पहले तो जान लें कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू होता है कि इसके थ्रू इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू करती हैं किसी भी लॉ को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी चेक होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि प्रोसीजर जो फॉलो किए हैं उसके लॉ को बनाने में या कोई ऑर्डर दिया गया है किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो ये होती है जुडिशियल रिव्यू। और ये पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है। और चीज़ जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम जान लें तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझते ही होंगे कि ईश्वरानंद भारती की इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, दिस इज़ अ लिमिटेड पावर, ये बस एक चेक्स एंड बैलेंस बनाने का टूल है। ऐसा नहीं कि जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके हमारी जो कोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को वायलेट करें, ठीक है। तो अब ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया कहाँ से था? तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारा आया हुआ है यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश को पॉलिटिकल फीचर्स वो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। पॉलिटिकल फीचर्स में जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, ये हमारे यूके से ली गई है। रूल ऑफ लॉ हुआ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हुए, बाइकैमरलिज्म हुआ, सिंगल सिटीजनशिप, ये यूके की कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके साथ यूएसएसआर से ली गई है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटी को हमने यूएसएसआर से लिया। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ वो लिए गए, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट जानना है ना, तीन लिस्ट शेड्यूल 7 में बताई गई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। तो ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कौन? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, ये बात हम ध्यान रखेंगे। और यूके से पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती हैं, उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हुआ, बाइकैमरलिज्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ गया। गिवन बिलो द टू स्टेट्समैन, ठीक है, ये असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि ईश्वरानंद भारती जजमेंट में
ये बात कही गई थी केशवानंद भारती जजमेंट में। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होगा इसका स्कोप। इसका लिमिटेड स्कोप होने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बस चेक्स एंड बैलेंस का जो मेथड है उससे बस मेंटेन करने का एक मेथड। ऐसा नहीं कि ये ओवर पावर करने को नहीं है, जो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसे वायलेट करने के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ कि दिस इज़ अ लिमिटेड पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम बोरोड आइटम, तो ये चीज़ तो हमको कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि सम बोरोड आइटम है ये। कहीं US कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू ले लिया, UK कॉन्स्टिट्यूशन से सिटीजनशिप ले लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ले लिया, फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से TPSP ले लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिया फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट ले लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक और इसके आइडियल्स ले लिए, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ ले लिए। तो ठीक है, सम बोरोड आइटम्स तो ठीक है, बट इसमें देखिए कि कोई क्या कनेक्टिविटी, कोई लॉजिकल कनेक्शन बैठता है क्या? क्या इस एसर्शन की रीजनिंग ये दे रहा है ये स्टेटमेंट? तो ऐसा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा वो रीजनिंग जुडिशियल रिव्यू से और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड आइटम से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दिस स्टेटमेंट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो मतलब आर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखा जाए तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये चीज़ अब फेडरल फीचर्स है फेडरल सिस्टम का। तो हमने ये चीज़ देखा ना कि कनाडा से हमने क्या कह लिया था, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ, नॉमिनेशन उसके अलावा रेसिडोरी पावर इन द सेंटर हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर हुआ, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन बाय द सेंटर। तो ये सब जो है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फेडरल सिस्टम का फीचर्स जो है, फीचर्स क्योंकि हमारे ये देखें कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेसिडोरी पावर सेंटर में ही जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के, ये हमने कनाडा से ली थी। कनाडा से और क्या क्या फीचर्स हैं? तो कनाडा से और फीचर्स जो हैं जो बारो किए गए हैं और जो रिलेटेड हैं फेडरल सिस्टम से, तो वो कौन कौन से फीचर हैं कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर उसके बाद है रेसिड्यूरी पावर सेंटर, उसके अलावा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, इसके अलावा है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। तो ये जो थ्री फीचर्स हैं, जैसे कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ, रेसिडोरी पावर ऑफ इन सेंटर हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वाइज, ये हमारे फेडरल सिस्टम की एक फीचर्स हैं। तो इन्हीं फीचर्स को ये पूछा गया कि ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। तो ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा हुआ इसका आंसर। यूके से हम लोगों ने डिस्कस किया, यूके से क्या क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली गई है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली गई है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया गया है। तो ये चीज़ें US की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लिया गया, जैसे प्रीएम्बल का एक चीज़ तो वो देखा ही गया प्रीएम्बल का। उसके अलावा फंडामेंटल राइट सबसे इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, इसी से US की कॉन्स्टिट्यूशन से। और भी एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, US की कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट आयरलैंड से कहाँ क्या लिया गया था, DPSP। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, तो हर ऑप्शन को भी हम देखते हुए जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन का इनिशिएटिव है थ्रू। तो हम लोग हर MCQ में देखेंगे कि हर ऑप्शन से कि किस तरीके से रिकॉल करें, हम चीज़ें याद करें। तो रिकॉल और ब्रेन स्टॉर्मिंग ही चीज़ों को ऐसा करती है कि एग्जाम हॉल में हमें रेप्लिकेट करने में, रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया इज
अब इसमें से देखना कि क्यों इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है। देखते हैं, बोथ रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ भी नहीं है। अब उसमें पूछा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर तो है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ है और उनके यहाँ भी है। अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म, जो क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म, ओ सॉरी, तो इसके लिए हम कहेंगे बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो हैं कि ये दोनों जगह हैं, ये दोनों ही जगह हैं, दोनों ही जगह हैं, और सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों ही जगह है पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही जगह है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें कहाँ से मिली थी, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं या वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेंबर होते हैं वो लोअर हाउस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था, हमने क्वेश्चन अभी किया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और यहाँ पे जो क्या है, यूके में जुडिशियल रिव्यू नहीं, वहाँ की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है वो कम्प्लीटली सॉवरेन बॉडी है, कम्प्लीटली सॉवरेन बॉडी है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो उसने एक्ट बना दिए, जो उसने लॉ बना दिए, वो क्या होगा, वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको जुडिशरी वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं देखेगी कि वो कितना वैलिड है या कितना नहीं वैलिड है। तो ये वहाँ पे नहीं है, तो ये डिफरेंट रहा इससे। तो इसका आंसर हुआ डी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाई, तो कंकरेंट लिस्ट अभी हम लोगों ने वो डिस्कस, ये वाली चीज़ अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन अब देखते हैं कंकरेंट लिस्ट कहाँ से है। तो सोवियत यूनियन से हमारा क्या था, सोवियत यूनियन से हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके साथ ही आइडियल्स ऑफ जो थे, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। इसके साथ ही और भी चीज़ है कि जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर इसके साथ ही एक और चीज़ होती है जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये तीन चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ ही कनाडा, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा कि जो फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स जो हैं वो लिए गए हैं। उसमें देखा गया था कि कौन कौन से, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा, रेसिड्यूरी पावर रहा, रेसिड्यूरी पावर, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, ये हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, कंकरेंट लिस्ट कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है और ये सबको शायद पता भी हो। तो ये इसका आंसर है आयरलैंड। इसके साथ ही आयरलैंड से हमने डीपीएसपी तो लिया ही था, इसके अलावा हमने जैसे जो नॉमिनेशन होती है ना राज्यसभा में, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर होती है ना, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ये भी आयरलैंड की ही कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके अलावा जैसे एक और चीज़ है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जैसे जिस तरीके का मेथड हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लिया गया है, ये भी आयरलैंड की ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देख ही लिया था, तो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, रिपब्लिक, रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी।
तो ये चीज़ हम देखने लगे। फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम ऐसा ध्यान रखेंगे, इससे एक चीज़ लगी थी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। यूएसएसआर से क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस। तो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे। हर ऑप्शन में हम ये देखते हुए जा रहे हैं कि कौन से, कि क्योंकि ये याद रहना ही चाहिए, जो भी प्रोविजंस हैं ये याद रहने ही चाहिए, तो इसलिए हम ऑप्शंस के थ्रू उन्हें रिकॉल करते जाएंगे। हमारा यहाँ एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई मकसद नहीं है, हमारा यहाँ पे है कि एमसीक्यू के थ्रू हम चीज़ें रिकॉल करें, हर ऑप्शंस के थ्रू हम रिकॉल करते जाएँ कि इस ऑप्शन से रिलेटेड हमें क्या ऐसी चीज़ याद है या रहनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाए। तो इसे एक रिकॉल करने का तरीका है, और ये इसको आप लोग एज अ रिविज़न की तरह यूज़ करिए। अब देखते हैं मैच मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें है लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कराना होगा। देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कंट्री, तो इधर एक साइड फीचर्स दिए हुए हैं, बोरोड कहाँ से बोरो किया गया, तो फंडामेंटल का राइट कहाँ से बोरो किए गए हैं, सीधा आंसर इसका यूनाइटेड स्टेट्स यूएस से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूके से। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ लिए गए हैं, जर्मनी से। अच्छा इसमें दो चीज़ है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, एक तो इमरजेंसी से रिलेटेड जो है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पावर्स प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी ये लिया गया इस, और जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ना वो है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जाता है, तो उसमें ये रहेगा कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंट रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी। तो ये हुआ, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इसको वीमर रिपब्लिक भी कहते हैं, वीमर रिपब्लिक। तो ये हुआ जर्मनी। अब डीपीएसपी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयरलैंड से। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या लिया था, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टिट्यूटरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो फेडरल फीचर्स हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए गए थे। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल फीचर्स लिए गए थे, और फेडरल फीचर्स वो कौन कौन से थे, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर इन सेंटर, फिर उसके अलावा रहा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई सेंटर। तो ये हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने मैच द फॉलोइंग देख लिया ये, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए क्या होगा, 2143। तो आंसर देखते हैं, 2143 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं क्या है, मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोर्स, फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस डिफरेंट वे में, डिफरेंट मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट लैंग्वेज यूज हो रही है, हालांकि सोर्सेस वही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न वही हैं। तो हम बार बार इसीलिए एमसीक्यू को कई टाइप के एमसीक्यूज उठाए हैं ताकि चीज़ें आप लोग रिकॉल कर सकें। अब अच्छा फिर से देखिए, फंडामेंटल राइट तो अब तो याद रहना चाहिए, फंडामेंटल राइट कहाँ से, यूएस से। डीपीएसपी कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से ली गई थी, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो भी चीज़ वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो कैबिनेट फॉर्मेशन हो, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजनशिप हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो, बाइकैमरलिज्म की बात हो, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और यूनियन स्टेट रिलेशन अभी बात हो रही थी फेडरेशन की, तो फेडरेशन ही यूनियन स्टेट रिलेशन को वो करता है ना, तो ये हुआ कैनेडियन, तो कैनेडा से। कैबिनेट गवर्नमेंट यूके यानी कि ब्रिटिश से। डीपीएसपी इससे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए,
फोर्थ डीपीएसपी, थ्री सी कैबिनेट गवर्नमेंट, कौन होगी ये फर्स्ट, फिर उसके बाद यूनियन स्टेट रिलेशन, सेकंड 4312, तो इसका आंसर होना चाहिए 4312, तो 4312, 4312 ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर क्या क्या लिया गया है सोर्सेज, और इसको हम एमसीक्यू के थ्रू रिकॉल करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब देखते हैं, सॉरी, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी करेक्ट मैच में होंगे। तो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यूएसए, ये तो सही है, अब हमें ये चीज़ पता हो गई और याद भी हो गई है। डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। रेसिड्यूअल पावर ऑफ द सेंटर, अब रेसिड्यूअल पावर ऑफ द सेंटर अभी हम लोग देख रहे थे फेडरल फीचर, जब भी सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात आए ना, तो वहाँ पे कनाडा, कनाडा ही मेन होगा, क्योंकि जो फेडरल फीचर्स हैं जैसे कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ, रेसिडरी पावर इन द सेंटर हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई सेंटर हुआ, ये कौन कर रहा था, कैनेडिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ले रहे थे। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन सी गलत है। इमरजेंसी पावर कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से, और ये इमरजेंसी पावर कौन सी इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये जर्मनी से लिया गया था। अगर ऐसे इमरजेंसी पावर पूछे और 1935 एक्ट का ऑप्शन में हो, तो करेक्ट आंसर वो होगा। तो ठीक है, और अब यहाँ पे हालांकि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था ये भी हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है। इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हुआ, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग, तो ये हमारा याद रहना चाहिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या, मेनली इसमें कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग, ये तीन चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और ये पता है ना ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, ये हम आगे के जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। वैसे बता दूँ एक वर्ड होता है डेड लॉक, डेड लॉक जब हो जाता है तो वो हम देखेंगे वर्ड्स का, वो उस वर्ड का मीनिंग कि डेड लॉक होता क्या है और ज्वाइंट सिटिंग होती क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा तरफ, तो देखते हैं कि ये मैच द फॉलोइंग फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोर्स, देखिए क्वेश्चन वही है, अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन वही होते जाएंगे, और आप देखिए कि किस तरीके से, अब बस इसीलिए बार 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 चीज़ों को ऑप्शंस के थ्रू रिकॉल करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, ये इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इस पर ध्यान देते रहिए। अब जैसे कि रूल ऑफ लॉ हुआ, रूल ऑफ लॉ अभी मैंने 10 बार कम से कम बोला हुआ कि रूल ऑफ लॉ हुआ, सिटीजनशिप हुई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हुआ, चाहे सिंगल सिटीजनशिप की बात हुई, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, बाई कैमरलिज्म की, ये सारा प्रोविजन जो कहाँ से लिया गया था, हमारा यूके की गवर्नमेंट से लिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, एक ही जापानीज गवर्नमेंट से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही प्रोविजन अडॉप्ट किया गया है, वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। रिजर्विंग अ बिल बाई गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो ये कौन था, क्योंकि अब देखिए अपॉइंटमेंट गवर्नर को कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा था, और ये प्रोविजन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर किस कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, कनाडा से। तो जो होगा गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड जो भी पावर है वो कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। कंकरेंट लिस्ट, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि ये कंकरेंट लिस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर होना चाहिए टू, प्रोसीजर इस्टेब्लिश, थ्री रिजर्विंग ऑफ बिल बाई गवर्नर, फोर और इसके साथ टी, 1 2 3 4 1, इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं 2 3 4 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब फिर से एम एज द फॉलोइंग, फिर से वही चीज़ आ रही है कि कौन सी कंट्री एंड सोर्स। मैंने मैच द फॉलोइंग ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चार चार ऑप्शंस तैयार कर लें। देखिए कि क्वेश्चन सारे में रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ पूछी जा रही है बार बार, जैसे कि डीपीएसपी, डीपीएसपी अभी हम लोगों ने देखा कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ये पाँचवा हो गया। कंकरेंट लिस्ट और यूनियन स्टेट रिलेशन, फॉर यूनियन कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था? कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये कहाँ से लिए थे हम लोग? फेडरल फीचर आ गया ना, फेडरेशन से रिलेटेड आ गया। और स्ट्रॉन्ग यूनियन की बात कहाँ हुई थी? स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात, स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो बात हुई थी, जो हम लोगों ने प्रोविज़न लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये इसका आंसर होगा 3512। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट के साथ साथ हम लोगों ने लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके अलावा जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो प्रोविज़न लिए गए हैं वो हम लोगों ने बात कई बार डिस्कस कर लिया। इसमें फेडरल फीचर्स है, फेडरल फीचर्स स्ट्रॉन्ग यूनियन हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हुआ, ये चीज़ है। आयरलैंड से क्या लिया था हम लोगों ने? आयरलैंड से DPSP लिया है। इसके साथ साथ एक चीज़ हम लोग और ध्यान रखेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये लिया गया है। और इसके साथ एक और प्रोविज़न है कि नॉमिनेशन जो राज्यसभा में होती है, वो भी जो नॉमिनेशन होती है मेम्बर्स की, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, रूल ऑफ लॉ हुआ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हुई, बाइकैमरलिज्म, ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई। यूएस से क्या क्या लिया गया? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ये अभी के लिए फिलहाल दो सबसे इम्पोर्टेंट ही हैं। उसके साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही ली गई है। तो इसका आंसर हम लोग उसी हिसाब से देख लेंगे कि 3512। तो आप लोग देख लीजिए 3512 डी, इसके हिसाब से ये आंसर सही होगा। तो हमारा यहाँ पे MCQ करने का या PYQ करने का या ऑप्शन ढूंढने का कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई ट्रिक बताने का, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक। हमें बस चीज़ों को रिकॉल करना है और ऑप्शंस के थ्रू रिकॉल करते हुए जाना है, ताकि हम आप लोग अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें, रिवाइज कर सकें और चांसेस बढ़ा सकें कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग ये चीज़ें सही कर पाएँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल ऑफ फंडामेंटल राइट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब ये तो फंडामेंटल राइट से याद है, यूएस से। कनाडा से क्या क्या लिया गया था? कनाडा से स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की बात हुई थी, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात हुई थी, फेडरल फीचर्स की बात हुई थी। ब्रिटेन से फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। रसिया से क्या हमने लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस आइडियल्स ऑफ जस्टिस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। तो अब मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ही बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन सही होगा। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सही है। बट अब यहाँ पे ये देखिए कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का कारण ये तो नहीं है कि हमने जो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भाई लेंदी होने का कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके कई कारण हैं। उसके जैसे कई कारण हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इतने प्रोविजंस डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लेंदी हो ही जाएगा। उसके साथ ही साथ जो 1935 के एक्ट का जो इम्प्रेशन है, उसके वजह से भी लैंग्वेज और हाल ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आ गए। तो ये हमारे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हुए, हिस्टोरिकल फैक्टर हुए, ये सब, और फिर उसके बाद बोरो हुए थे इधर उधर से, तो इसकी वजह से लेंदी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है इसलिए। तो हालांकि स्टेटमेंट दोनों सही हैं, बट ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि आर ट्रू बोथ और ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू,
बट आर इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सोर्स। फिर से वही क्वेश्चन है कि आइटम पूछा गया है और सोर्स पूछा गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कई बार डिस्कस किया कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की स्टेट गवर्नर को जो सेंटर सेंटर अपॉइंट कर रहा है, ये कहाँ से कौन? क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं पहले। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पिकअप द राइट मैचिंग। तो हम लोग को राइट मैच पिक करना है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर कौन कि कहाँ से हमने लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर हम लोगों ने देख लिया कैनेडा, कैनेडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ये सही है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ये भी सही नहीं है। टू द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो हमारा लिया गया ये हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन टू ओनली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसमें ये ऑप्शन शायद एक्सचेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे यूएसए, यूएसए कर लीजिए। तो उस हिसाब से, और खैर हमारा ऑप्शंस पे कोई स्पेशल फोकस नहीं है, हमारा फोकस है रिवीजन पे। तो प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से हम रिकॉल करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर लिया था, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट लिया था। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर उसके अलावा जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस। इंग्लैंड से क्या लिया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से क्या लिया गया था? फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम ली थी। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अच्छा ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सॉरी मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दो चीज़ हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो 1935 के एक्ट से हुआ था, ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 के एक्ट से। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर है, दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम करेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर की जब भी बात हो, ऑफिस ऑफ गवर्नर की जब भी बात हो तो कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, ये कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। और एक जगह कन्फ्यूज़न होती है, मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊँगा। द ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड, ध्यान रखेंगे नॉट बोरोड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब से हम लोग कैनेडा की कॉन्स्टिट्यूशन का कम से कम 5 से 6 बार हम लोगों ने रिकॉल किया, तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं ये क्वेश्चन करने से पहले कि कैनेडा की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखते हैं कि फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, फोर्टिफाइड का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन है? नॉट बोरोड, तो दिस इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई द सेंटर, ये भी कैनेडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन। अब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो डिस्कस किया था, ये कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अब इसमें एक और चीज़ आती है, अब ये नॉमिनेशन हुआ, अब कभी कभार पूछता है कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बट अगर ये पूछ दें कि इलेक्शन ऑफ मेंबर, इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, टू राज्यसभा, तो इसका आंसर होगा अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉमिनेशन जब पूछे,
नॉमिनेशन जब पूछे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन जब पूछे तो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से ऑफिस ऑफ गवर्नर जब पूछे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बस अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर पूछे कनाडा। ठीक उसी तरीके से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑफ ऑन सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच। तो अभी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके थे कि ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सिंगल सिटीजनशिप वाली चीज अडॉप्ट की थी, तो इसका आंसर होगा यूके। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और भी चीज़ें, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि पार्लियामेंट के टू हाउसेस होंगे, लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, फिर उसके अलावा रिट्स जो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये चीज़ भी यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न एक बार से हम लोग फिर रिवाइज करते हैं कि जो मेन है जहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, एक तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर भैया, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से हम लोगों ने लिया था रिकॉल करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हम लोगों ने कहाँ से लिया था, बाई सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा पूछा, नॉमिनेशन पूछा तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा पूछा तो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पे हुआ, सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, सिटीजनशिप यूके की यूके से ली गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से ली गई है। ठीक है, अब अच्छा हम देख लेते हैं एक चीज़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से में कई ऐसे प्रोविजन्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली लिए गए, जिसकी वजह से हम ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज़ द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से प्रोविजन्स लिए गए हैं। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है पहले फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने ये प्रपोज किया था फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि यूनियन और उसके प्रिंसली स्टेट्स के उससे बनेगी। अब उसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे ये दो चीज़ थी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर इज फ्रॉम अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया था, जुडिशरी, जुडिशरी का, जुडिशरी का कंसेप्ट यहाँ से लिया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से लिया गया है। फिर इसके अलावा जो है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस जब पूछे तो 1935 हुआ, लेकिन जब सस्पेंशन ऑफ राइट, सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये है इसका आंसर जर्मनी, जर्मनी। कहीं कहीं इसको वीमर रिपब्लिक भी, वीमर रिपब्लिक भी बोलते हैं, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था, फंडामेंटल राइट लिया था, जुडिशियल रिव्यू लिया था, जुडिशियल रिव्यू लिया था, उसके अलावा
ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया था, ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा रसिया से, रसिया यानी USSR, उस टाइम USSR उसे बोला जाता था, तो USSR से हम लोगों ने क्या लिया था, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके अलावा आइडियल्स ऑफ जस्टिस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप 2 4 5 बार क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये धीरे 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 आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उसका सबसे अच्छा मेथड है रिकॉल करिए, और रिकॉल कैसे करिए, इसी मेथड से MCQ सॉल्व करिए। और ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन उसे सॉल्व करिए, अरे उसे 4 क्वेश्चन बनाइए, जो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आप अलग से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये अगर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर पूछा हुआ है कि एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस ऑप्शन में US कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, आयरिश भी होगा, ब्रिटिश भी होगा। तो आप लोग ये भी रिकॉल करिए कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक हम लोग उठाते हैं, और जो भी टॉपिक हम लोग उठाएंगे इसी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे, और चीज़ों को मेनली MCQ सॉल्व करने का तरीका नहीं है, MCQ के थ्रू बस रिवीजन करने का है हमारा मकसद, है कि MCQ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवाइज कर सकें। चलिए फिर, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कोशिश करते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, अगर कोशिश हो तो मॉक्स लगाते रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के उससे जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे किसी भी प्रकार की हो, आप हमसे फ्री होकर कॉन्टैक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।